स्टार स्टेक में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे एक कलर चेंजिंग म्यूजिक बल्ब। आप देख सकते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक ख़राब बड़ा 15 वाट का एलईडी बल्ब का कवर, जिसके अंदर के मैंने सारे आइटम निकाल दिए हैं क्योंकि वो ख़राब हो चुके थे। और हमने यहाँ पे लिया है एक छोटा स्पीकर जो कि इसी की साइज़ का था। हम बड़ा भी ले सकते थे लेकिन बड़ा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसकी कवरिंग के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पे छोटा स्पीकर ही लिया है, हम बड़ा वाला यूज़ नहीं करेंगे। और साथ में हमने लिया है एक DOB, तो अगर आपको वाइट लाइट चाहिए तो वाइट DOB लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कलरफुल DOB लिया है, RGB DOB सर्किट लिया है जो कलर चेंज करता है। और साथ में मैंने लिया है एम्पलीफायर बोर्ड PALM 8403 जो कि इसे एम्पलीफाई करेगा, और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो इसको ब्लूटूथ में कन्वर्ट करेगा, हमारे सिग्नल को रिसीव करेगा। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्पीकर को लगाने के लिए हमारी जो बल्ब का डिफ्यूज़र है उसमें होल करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक सर्कुलर होल कटर है, इसकी हेल्प से हम इसमें होल कर देंगे। जो कि सेम उसी के डायमीटर का है, तो हम ड्रिल मशीन से यहाँ पे होल कर देंगे हमारे स्पीकर के डायमीटर का। देखिए इसमें स्पीकर काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हम हमारे एम्पलीफायर बोर्ड को ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। तो इसके आप कनेक्शन देख सकते हैं, इसमें दो जो कनेक्शन है वो 5 वोल्ट और ग्राउंड के हैं, और तीन लेफ्ट राइट और ग्राउंड के हैं। साथ में आउटपुट के लिए दो स्पीकर हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो आप चाहें तो एक लगाएं चाहें तो दो लगाएं। तो हम यहाँ पे सिंगल का यूज़ करेंगे और 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। सेम ऐसे आप ब्लूटूथ मॉड्यूल में देख सकते हैं, तो हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को जिसके अंदर लेफ्ट राइट ग्राउंड और पॉजिटिव 5 वोल्ट एंड ग्राउंड का ऑप्शन है, वहाँ पे हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल पे और हमारे एम्पलीफायर बोर्ड पे लिखी होती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्ड करें, वायर से कनेक्ट करें। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड वायर दे दिया है, उसके बाद हम 5 वोल्ट वायर, तो हमने यहाँ पे दोनों वायर लगा लिए हैं। और सेम ऐसे ही जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है PALM 8403 उसमें कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट को हम अभी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हमारे ग्राउंड और 5 वोल्ट कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें कनेक्शन करना है हमारे सिग्नल वायर्स का, इनपुट वायर्स का। तो लेफ्ट और राइट के लिए हमने इनपुट वायर हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में लगा दिए हैं, और अब हम ग्राउंड वाला इनपुट वायर लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे तीनों इनपुट वायर एम्पलीफायर बोर्ड में लग चुके हैं। और अब आप देखिए इनपुट हमें ब्लूटूथ से देना है, तो तीनों इनपुट वायर को हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड में ग्राउंड को, लेफ्ट में लेफ्ट को और राइट में राइट को। तो अकॉर्डिंग टू कनेक्शन सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे।
तो हमारे यहाँ पे तीनों वायर्स कनेक्ट हो चुके हैं, इनपुट वाले और हमारे पावर सप्लाई के वायर्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम स्पीकर के वायर्स को कनेक्ट करेंगे। तो इस पे पहले से आप एम्पलीफायर बोर्ड में देखेंगे तो प्लस और माइनस का ऑप्शन होता है, और स्पीकर पे भी प्लस और माइनस दोनों लिखे होते हैं। तो प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट करें। तो हमने यहाँ पे प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर लिया है, और हमारे स्पीकर को डिफ्यूज़र के अंदर सुपर ग्लू से फिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पे RGB DOB सर्किट, और हीट सिंक के लिए हमने यहाँ पे एक मेटेलिक पीस लिया है, क्योंकि DOB सर्किट बहुत गर्म होते हैं तो हीट को रिलीज़ करने के लिए हमें हीट सिंक भी चाहिए। तो हम यहाँ पे मेटल प्लेट का यूज़ करेंगे हीट सिंक के लिए और LED को रोकने के लिए। तो देखिए ये अच्छे से इसमें फिक्स हो जा रही है, और यहीं पे हम इसको फिट करेंगे। उसके पहले हम इसके अंदर पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन देंगे। तो पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक पुराना मोबाइल चार्जर, जो कि 5 वोल्ट आउटपुट देता है। तो हमारे एम्पलीफायर और ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। और कोशिश करें कि आप जो चार्जर लें वो 2 एम्पियर वाला लें, उससे आउटपुट काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। अब हम इस पूरा सर्किट को हमारी बल्ब की कवरिंग में फिक्स करेंगे। हॉट ग्लू की हेल्प से और बल्ब के होल्डर से जो वायर आएंगे उनको हम चार्जर के साथ और LED के वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो हम यहाँ ग्लू गन की हेल्प से हमारे चार्जर को बल्ब के अंदर फिक्स कर लेते हैं ताकि ये हिले नहीं। और साथ में हम हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल को और एम्पलीफायर बोर्ड को भी फिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे स्पीकर के वायर और LED के वायर दोनों रह गए हैं, तो इनको अब हम कनेक्ट करेंगे। स्पीकर के वायर को एम्पलीफायर बोर्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, और बल्ब के वायर को डायरेक्ट जो सप्लाई आ रही है जहाँ से हम चार्जर को कनेक्ट करेंगे वहीं पे हम बल्ब वाले वायर्स को कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम स्पीकर के वायर को लगा लेते हैं। तो देखिए स्पीकर के वायर लग चुके हैं। और हम हमारे एम्पलीफायर बोर्ड को भी अंदर फिक्स कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो।
अब हमारे बल्ब के न्यूट्रल और फेज वायर को बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ में उसको हम चार्जर के साथ भी कनेक्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम तीन वायर एक साथ कनेक्ट करेंगे, चार्जर का, एलईडी का और बल्ब के होल्डर का। और सेम वैसे ही हमने दूसरे वाली साइड पे भी तीन वायर को कनेक्ट कर लिया है। और कनेक्ट करने के बाद हम इस पे कवरिंग लगा देंगे, हीट स्लीव लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि ऊपर भी मेटल की हमने प्लेट लगाई है, वहाँ पर भी ये टच हो सकते हैं। तो सेफ्टी का ध्यान रखें और अच्छे से सारी चीज़ों को फिक्स कर लें। अब हमारा ये बनके तैयार है और अब हम इसको टेस्ट करेंगे, सप्लाई दे करके चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलईडी ग्लो हो चुकी है। अब हम इस सारे सर्किट को फिक्स करके और कवर को लगा देते हैं। तो मेटेलिक प्लेट को हम बल्ब के जो एजेस हैं, जो पहले से बने हुए हैं, उनके अंदर फिक्स कर लेंगे ताकि एलईडी अपनी जगह पे स्टेबल रहे। देखिए एलईडी फिक्स हो चुकी है और अब हम हमारे ब्लूटूथ स्पीकर के वायर को भी अंदर डाल के और कवरिंग को, डिफ्यूज़र को लगा लेंगे। तो देखिए यह हमारा म्यूज़िक बल्ब जो कि मल्टी कलर है बनके तैयार है। अब हम इसको हमारे मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो ये 3.0 BT के नाम से आएगा और हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। अब हम इसमें सॉन्ग चलाएंगे जो कि NCS सॉन्ग है और साथ में आप इसकी लाइटिंग भी देख सकते हैं म्यूज़िक के साथ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।